झुंझुनू जिला कलेक्टर के साथ भाजपा नेताओं ने बदतमीजी कर हल्की भाषा का प्रयोग किया। जानकारी के अनुसार 12 में हुई दुष्कर्म की घटना को लेकर झुंझुनू भाजपा के सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ के नेतृत्व में भाजपा नेता कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए आए हुए थे। जिला कलेक्टर के चेंबर में आने के बाद भाजपा नेताओं ने जिला कलेक्टर को कुर्सी पर से खड़ा होने के लिए कहा तो कलेक्टर ने कहा ऐसे ही आप ज्ञापन दे दो, जिसको लेकर के विवाद बढ़ गया। जिसके बाद उदयपुर वाटी के पूर्व विधायक शुभकरण चौधरी जिला कलेक्टर की टेबल के ऊपर बैठकर ज्ञापन को कलेक्टर के मुंह पर मारने की बात कही। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मावंडिया, विश्वंबर पूनिया सहित सभी भाजपा नेताओं ने झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार खीचड़ और कोतवाली पुलिस के सामने कलेक्टर के चैम्बर में टेबल को पीटते रहे और भला बुरा कहते रहे। काफी देर की जद्दोजहद के बाद झुंझुनू जिला परिषद सीईओ रामनिवास जाट ने आकर के बीच बचाव किया। आखिर में भाजपा नेता ज्ञापन देकर के वहां से चले गए। गौरतलब है कि इस पूरे विवाद में कोतवाली पुलिस के नुमाइंदे भी वहां पर मौजूद रहे, मगर किसी ने इस घटना को रोकने की कोशिश नहीं की। खड़े हो गए।